अरे राजू, फटाफट माल लोड कर, 12 बजे डिलीवरी देना, चल। जी जी महेश जी, आप ही का सामान लोड हो रहा है, बस एक आध घंटे में आपके साइट पे पहुंच जाएगा। जी, नागेंद्र ही लेके आ रहा है। जी नमस्ते। तो दीवार कूद के भाग गया वहां से, लेकिन वो सुधीर मोटा है ना, अबे वो गटर में गिर गया। क्या बात कर रहा है, इतनी बास मार रहा था, क्या बोले तुम लोग। मैं एक मिनट में आ रहा हूं। काय जाला है, क्यों मुझे यहां पे खड़े रहकर घूर रही थी, क्यों मेरे दोस्तों के सामने इज्जत का फालूदा करवाना चाहती है। चल, तेरा इंटरव्यू था ना, उसका क्या हुआ? आई वो लेट उठा ना तो जा नहीं पाया। फिर से वही बहाना, तू एक दिन टाइम पे नहीं उठ सकता? हाँ, कब तक चलेगा ये अजय? आई अब आंख लग गई थी तो मैं क्या करूं? मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा कि मैं क्या करूं, इसलिए आज तक ये घर चल रहा है, कॉलेज बीच में छोड़ के बैठ गया है, इंटरव्यू के लिए जाना नहीं चाहता है, सिर्फ आवारागर्दी करना चाहता है। तू करना क्या चाहता है, कब तक चलेगा ये? क्या सोचा है तूने अजय अपनी जिंदगी के बारे में? अभी तक कुछ सोचा नहीं आई। कब सोचेगा तू अजय, कब करेगा तू, कब एहसास होगा तुझे कि तेरी आई अब थक चुकी है? मुझे तेरी जरूरत है अजय, तेरे बाबा से तो बहुत सालों पहले उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, उन्हें तो शराब के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, अब तू भी उन्हीं की तरह कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है। बस करना आई, घर पे तो जिम्मेदारी का भाषण सुनाती रहती है ना, रास्ते पे तो बख्श दे, तू घर ही जा, मैं ये तो। एक पौवा और पिला दे। रवि बाबू साहब ने मना किया है उधारी देने को, पहले पैसा दो फिर मिलेगा। अरे लगता है कविता ही बैठ गई इधर सेठ बन के। बस आज के बाद तुम दोनों को एक पैसा नहीं दूंगी, शर्म तो आती नहीं है तुम दोनों को, इतना मेहनत करके पैसे कमाती हूँ मैं और तुम दोनों उड़ा देते हो बस, तू अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में और अब शराब में, कोई एहसास है अपनी जिम्मेदारी का, फिक्र है मेरी? गलती तुम दोनों की नहीं है, गलती तो मेरी है ना, ये घर मेरा है, पति मेरा है, बेटा मेरा है, यही सोच सोच के बस झेल रही हूँ तुम दोनों को। सच कहते हैं लोग, एक जिम्मेदार इंसान लापरवाह लोगों की जिम्मेदारी उठाना जब बंद कर देना तब समझ में आती है कि जिम्मेदारी क्या होती है। काय रे आई, बस करना, खाते वक्त तो चैन से खाने। ए, चुप, खरा बोल दीदी तिला बोल दे। होगा कहता तो वड़त का नहीं हो, हाँ इतनी समझ में आती है तो सुधर क्यों नहीं जाते तुम? और तू, तुझे ये मैं बार बार बोलती हूँ पसंद नहीं आता है ना, एक दिन ये बोलना भी बंद कर दूंगी, उस घर में रहना भी, फिर ढूंढ लाना किसी को जो तुम दोनों का ख्याल रखे और तुम दोनों को झेले भी, बस हो गया मुझे तो, और नहीं होगा अब मुझसे। लगता है आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई तेरी आई। सचमुच ऐसा कुछ कर देगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, उसकी कमाई पर चलती है अपनी जिंदगी। घबरू नको बाबा, आई खाली होल देती है, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। तुम खाना खाओ। पैसे कमाना, अपने शराबी पति रवि और आवारा बेटे अजय को संभालना, हर जिम्मेदारी अकेले निभाना, जिंदगी की इस गाड़ी को एक पहिए पर ढोते ढोते कविता थक चुकी थी, उसे एक परिवार चाहिए था, एक नॉर्मल परिवार, एक सुकून की जिंदगी, वो इस घुटन भरी जिंदगी को और नहीं सहना चाहती थी।
वो इससे दूर जाना चाहते थे। कविता की अपने पति और अपने बेटे को छोड़कर जाने की बात महज धमकी नहीं थी, ये उसके अंदर की तड़प थी, उसकी अनकही आरजू थी अपनी जिंदगी को एक नई मंजिल देने की। फिर एक दिन वो रोज की तरह घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। नहीं, वो यहाँ पर नहीं आई है। घर पे भी ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई हो। अच्छा हुआ, बेचारी की जान तो छूटी। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड़ा वेळाने पुनः प्रयत्न करा। बाबा बाबा उठो। अजय आई अली, आई अली। अरे नहीं, दरवाजे पे भी ताला लगा है। उठो, तुम चाबी है मेरे पास। ये आई भी ना, खुद बड़ा जिम्मेदारी का भाषण देती रहती है, लेकिन खुद इतनी भी जिम्मेदार नहीं है कि कहीं बाहर जा रही है तो पड़ोस में चाबी देके जाए। लो, खाना भी नहीं बना। बाबा लगता है आई ऑफिस से ही, घर नहीं आई अभी तक। मैंने फोन किया था उसको, बंद आ रहा है उसको फोन। ए अजय, तेरे पास पैसे है? पैसे तेरे पास? भूख लगी है बहुत। हाँ हाँ, जा जल्दी से खाने को लेके आ कुछ, बहुत भूख लगी है। तेरे माँ को भी आज का ही दिन मिला था देर से आने के लिए, जाना जल्दी जब भूख लगेगा। उठो बाबा, खाना लाया हूँ। बाबा उठो, खाना लाया हूँ। बाबा 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 उठो। आ गई तू कविता? आ गई? नहीं बाबा, आई नहीं आई, खाना लाया हूँ। चलो खा लो। आई कहीं सच में तो नहीं चली गई? कल बहुत गुस्से में बोल रही थी वो। वो सिर्फ गुस्से में बोल देती है, मैं जानता हूँ उसको। वो देख, उसका ही मैसेज होगा। देख, ये तो मेरे को और कौन मैसेज करता है। हाँ आई का ही है, बोला था मैं। फिर पढ़ पढ़। अब मैं वापस नहीं आने वाली उस घर में, मेरा इंतजार मत करना, मैं तुम लोगों से दूर जा रही हूँ। ये क्या लिखा है इन्हें? फोन लगा तो अभी गया, अभी फोन लगा, बात कर उससे। The number you are trying to call is currently switched off. आई का फोन भी बंद आ रहा है। अरे यार क्या हो गया तेरी आई को, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। बाबा मुझे लगता है आई ना अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई है और हमें डराने के लिए ऐसा मैसेज कर रही है। देखना कल तक आ जाएगी, आप खाना खाओ।
क्यों तुम दोनों से जा रही हूं, तुम लोगों से दूर, मुझे अब चैन से जीने दो। The number you are trying to call is currently switched off. बाबा, बाबा, उठो बाबा, आएगा मैसेज आया। हाँ, क्या हल, क्या लिखा है? आई अभी नहीं आएगी, उसने अब भी मैसेज में वही लिखा है कि वो हमसे तंग आ चुकी है और बहुत दूर जा रही है। तू फोन कर उसको, फोन कर। तू किया था बाबा, फोन भी बंद आ रहा है। क्या नाटक लगा रखा है तेरी आई ने? नाटक नहीं है बाबा, मुझे लगता है आई सच में नहीं आएगी। कविता अक्सर धमकी देती थी लेकिन इस बार मामला गंभीर नजर आ रहा था। दोनों बाप बेटे को इस बात की फिक्र थी कि अब उन्हें अपने काम खुद करने होंगे, अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना होगा। कविता ने कई बार ऐसी धमकी दी थी लेकिन कभी उस पर अमल नहीं किया था, इसलिए शायद रवि और अजय को उम्मीद थी कि कविता लौट आएगी। लेकिन दो दिन गुजर गए, कविता के मैसेजेस आने भी बंद हो गए, उसके लौट आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अजय, तेरी आई ऐसा नहीं कर सकती, हमें छोड़ के नहीं जा सकती वो। बाबा, आई आई शायद सच में हमसे बहुत तंग आ गई थी। देख, वो हमसे नाराज थी, मैं जानता था, लेकिन ऐसे बिना बताए अचानक कैसे जा सकती है वो? उसका सारा सामान यहीं पर है, कपड़े यहीं पर है, कुछ लेके गई क्या वो साथ में? नहीं। फिर मुझे यकीन है वो आ जाएगी। बाबा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आई तो हमसे बात भी नहीं कर रही, फोन भी बंद करके बैठी है। देख, हम उसकी राह देखते ऐसे ही यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, हमें ढूंढना होगा तेरी आई को। लेकिन बाबा, ढूंढेंगे कहाँ? क्या तुम दोनों को नहीं मालूम कि वो कहाँ काम करती है? कविता जी ने तुम दोनों को दो मैसेज भेजे और उनमें लिखा है कि वो तुम दोनों से थक चुकी है, इसलिए घर छोड़कर चली गई। साहब, मैं मानता हूं कि मैं अच्छा पति नहीं हूं, इतने सालों में कभी नहीं बन पाया, मेरा बेटा भी मेरी तरह जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन वो नाराज चाहे कितनी भी हो साहब, लेकिन वो इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकती। हो सकता है अपने माँ बाप के यहाँ चली गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ। नहीं साहब, हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई हो, और जाहिर सी बात है तुम दोनों तो उनकी किसी सहेली को जानते नहीं होंगे। वैसे भी उनका इस तरह से चले जाना कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं, तुम ही ने बताया कि वो कई बार ऐसे चले जाने की धमकी दे चुकी थी। हाँ साहब, आई ऐसा कहती जरूर थी, लेकिन सिर्फ हमें डराने के लिए, और हम जैसे भी थे आई को फिक्र थी हमारी। मुझे नहीं लगता क्या ही हम ऐसे छोड़ के जा सकती है। शायद यही भूल थी तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपनी आई की बातों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं कविता ने कुछ कर न लिया हो, या फिर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो साहब। देखो, पहली बात, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी आई एक 42 साल की पढ़ी लिखी समझदार औरत है। दूसरी बात, उन्हें हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, और यह फैसला लेने की वजह तुम दोनों ने ही उन्हें दी है। ये बात उन्होंने अपने मैसेज में कही है, इसलिए उन्होंने कुछ गलत कर लिया हो या उनके साथ कुछ गलत हो गया हो ये मानना बहुत मुश्किल है। साहब, 3 दिन से कविता घर वापस नहीं आई, तब जाके एहसास हुआ कि हमें कितनी जरूरत है उसकी, हम कितने निर्भर है उसके ऊपर, हमने उसकी कद्र कभी नहीं की साहब। आई ने मुझे भी बहुत समझाया था, बिंदियां की थी, लेकिन मैं स्वार्थी हो गया था, कभी उनकी तकलीफ ही नहीं दिखी। चलो, अच्छी बात है, तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, अब कविता जी को भी उनकी जिंदगी अच्छे से जीने दो,
अगर उन्हें कभी लगेगा कि उन्हें वापस आना चाहिए तो वो खुद वापस आ जाएंगे। साहब इस बात का तो डर है मुझे कि अगर वो वापस आई ही नहीं तो, और देवा शपथ साहब, ये डर इसलिए नहीं कि हमें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि हमें हमें फिक्र है उसकी। साहब आप ही सोचो, जैसा भी था लेकिन 20-22 साल का रिश्ता था साहब, ऐसे दो मैसेजेस में कैसे खत्म हो सकता है साहब? मुझे सच में डर लग रहा है कि ऐसी जिंदगी से थक हार कर कहीं उसने खुद के साथ कुछ कर ना लिया हो। एक काम करो, कविता जी के फोटोग्राफ्स और उनकी डिटेल्स हमें दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। वाटकर, इस औरत की फोटो और डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन और अस्पताल में भेजो। 9 जुलाई से आज तक के सारे रिकॉर्ड चेक करो, शायद कहीं कोई एक्सीडेंट का केस रजिस्टर हुआ हो। ये कमजोर कोशिश थी उस औरत को ढूंढने की जिसने खुद मैसेज करके बताया था कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। कुछ और दिन बीत गए, इन दिनों में ना कविता का कोई मैसेज आया ना उसकी कोई खबर। रवि और अजय खौफ के साए में जी रहे थे। ये सवाल उन्हें बार बार सता रहा था कि क्या वाकई कविता ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मेरी एक जगह बात हो गई है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। बड़ी मुश्किल से माना उसने, यकीन ही नहीं कर रहा था कि मैंने पीना छोड़ दिया है। मुझे भी एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम मिल गया है। हमने तेरी आई को बहुत दुख दिया अजय, मैं जब भी सोचता हूँ ना इसके बारे में कि वो सच में हमसे दंग आकर चली गई है, तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, नहीं। ती अपने लाशी सोडून नहीं जाऊ शकत, ऐसे नहीं जा सकती वो। अभी तक हमें तुम्हारी पत्नी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। सच कहूं, अगर कविता जी अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं, तो उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और मेरे ख्याल से गलत भी, क्योंकि उनकी नई सुकून भरी जिंदगी में तुम लोगों की वजह से फिर से परेशानी आ सकती है। मैं कविता को इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूं साहब क्योंकि वो उस नर्क में हमारे पास वापस आ सके, मैं सिर्फ तसल्ली करना चाहता हूं कि वो सही सलामत है भी या नहीं, और हो सके तो उससे माफी मांगना चाहता हूं। वो वाकई हमें छोड़कर चली गई है तो उसने बहुत सही किया है, 100% बरोबर, हम उसके लायक थे ही नहीं। रवि, मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा पछतावा समझ सकता हूं। हम एक लापता फरार इंसान को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये केस वैसा है ही नहीं। ये केस एक ऐसी औरत का जो अपने पति अपने बेटे से परेशान होकर खुद कहीं चली गई है। देखा जाए तो ये पुलिस केस बनता ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है साहब, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि कविता के साथ कुछ तो हुआ है, कुछ गलत हुआ है। हुआ है गलत, और वो गलत ये हुआ है कि उनकी अच्छाई की कभी कद्र तुमने की नहीं, उन्हें उनकी परेशानियों को तुम लोगों ने कभी समझा ही नहीं। मानता हूं साहब, मैं कमजोर था इसलिए मेरी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन कविता कमजोर नहीं थी साहब, और ना कभी हो सकती है। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, सिर्फ इतना पता लगा लो कि वो सही सलामत है भी या नहीं। कविता जी का नंबर दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। हो सकता है जहां वो काम करती थी वहां पर किसी को कुछ पता हो। मेरे पास सूरज कदम का नंबर है, कविता 2 साल पहले जहां काम करती थी वहां पर वो भी सुपरवाइजर था, ये नई नौकरी उसी ने दिलवाई है कविता को। ठीक है, उसका नंबर भी लिख दो। वरुण, कविता के फोन रिकॉर्ड निकलवाओ और इस सूरज कदम से भी कॉन्टेक्ट करो। अभी हमें सिर्फ इस केस पर फोकस करना है, पता लगाना है कि कविता गई तो गई कहां। और उसके बाद सर, देखो अगर कविता अपनी नई जिंदगी कहीं बहुत सुकून के साथ जी रही है तो हम उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अगर वो अपने पति अपने बेटे के पास नहीं आना चाहती तो ना आए, ये उनकी मर्जी। उनके पति को भी अपने किए पर पछतावा है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या वाकई में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। हमें भी बस यही पता करना है। अब पुलिस ने कविता जाधव की तलाश शुरू की, उन्हें ये पता लगाना था कि क्या कविता अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। अब देखना यह था कि ये तहकीकात पुलिस को कहां ले जाने वाली थी। ये सब गिन के गोडाउन में रख देना और साइन ले लेना। हेलो, मिस्टर सूरज कदम। जी हाँ, मैं वर्मा नगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर वरुण आपटे बोल रहा हूँ। जी कहिए। आप कविता जाधव को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, बात क्या है सर?
जी, मेरी रवि से बात हुई थी। उसने बताया कि कविता घर छोड़कर चली गई है। आप कविता को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? कविता बहुत भली औरत है और मेहनती भी। मैं पहले जिस फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था, कविता वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी और वो फैक्ट्री बंद होने वाली थी। कविता, वो सूरज भाव, मैं जानती हूँ आप मुझे क्या कहने आए हैं। मुझे भी नौकरी से निकाला जा रहा है ना। सॉरी कविता, पर सिर्फ तुम्हें ही नहीं, काफी लोगों को निकाला जा रहा है, मुझे भी। आप तो जानते हैं सूरज भाव, मेरे लिए नौकरी कितनी जरूरी है। रवि तो कुछ भी नहीं करते। अजय के साथ जो उम्मीद जुड़ी है वो भी टूटती जा रही है। कॉलेज में दो बार फेल हो चुका है वो, फिर भी पढ़ा रही हूँ उसे कि कैसे तो करके ग्रेजुएशन तो पूरा कर ले। 6 सालों से कविता उस फैक्ट्री में काम करती थी। और आप तभी से उसे जानते हैं? नहीं सर, उससे भी 2 साल पहले से। आपको पता है कि वो काम कहाँ करती थी? हाँ सर, मैंने उसे वहाँ काम दिलवाया था। कहाँ? 7 रेनबोज पेंट डीलर्स में। दीपेश पाटिल? हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे ना। हाँ हाँ, वही। उसने अपनी खुद की पेंट डीलरशिप शुरू की है और उसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट एडमिन की जरूरत है। उसने मुझसे पूछा तो मुझे फौरन तुम्हारा ख्याल आया। इंटरेस्टेड हो इस जॉब में? ये भी कोई पूछने की बात है सुरेश भाऊ, मैं तो जल्द से जल्द काम शुरू कर देना चाहती हूँ। और कविता ने दीपेश के वहाँ काम करना शुरू कर दिया। आप मुझे दीपेश का नंबर दे सकते हैं? श्योर सर। अरे राजू, फटाफट हाथ बढ़ा, सारा माल लोड कर, उठाए सब, चल फटाफट, ये भी सब लोड कर, ये सब। हेलो, दीपेश पाटिल जी बोल रहा हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर वरुण आपटे, वर्मन नगर पुलिस स्टेशन से। जी सर, कहिए। आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर पाटिल। जरूर सर, मुझे सूरज का फोन आया था, वो बता रहा था कि आपको कविता के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। चौल में सभी को कविता के बारे में पता चल गया था मैडम, अच्छा हुआ कि वो घर छोड़ के चली गई। एक तो उसका पति बेवड़ा और दूसरा उसका बेटा एक नंबर का आवारा निकल गया था। सुना है अच्छे घर से थी वो, अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते थे पता नहीं, और अब तो उन्हें गुजरे हुए भी सालों हो गए होंगे। और इसके पास अपना कहने को पति और बेटा ही तो था, शायद इसीलिए सब कुछ झेलती थी। और इसका पति पहले से ही ऐसा था, 17-18 सालों से देखता आ रहा हूँ, पीने के लिए ही जीता था। और सुना है आजकल कहीं सिक्योरिटी का काम कर रहा है। थैंक यू। जी सर, कविता 9 जुलाई को ऑफिस आई थी, हमेशा की तरह 9:30 बजे शाप। काम कितना भी ज्यादा हो पूरा करके ही जाती थी, मैंने उसे कभी भी अधूरा काम छोड़कर जाते हुए नहीं देखा। हालांकि उस दिन काम कम था इसलिए वो 5:30 बजे निकल गई रोज के टाइम पर। बस उस दिन के बाद मैंने उसे नहीं देखा। अगले दिन जब वो ऑफिस नहीं आई तो मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सर, अब आप पूछेंगे कि मैंने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की, किसी से पूछा क्यों नहीं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था। आप ही ने कहा कविता एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी, आप ही बताइए आजकल अच्छे एम्प्लॉय कहाँ मिलते हैं। वो बिना इंटीमेशन के, बिना लीव लिए अचानक से गायब हो गई, और आपने इसकी वजह जानना जरूरी नहीं समझा। वजह न जानने की भी एक वजह है सर, कविता सिर्फ अच्छी एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां थी। हालांकि उसके काम से, उसके बर्ताव से पता नहीं चलता था, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई देता था उसका दुख। सर, मैं तो उसे तब से जानता हूं जब हम एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। उसके बाद जब वो मेरे यहाँ नौकरी पे लगी तब भी हालत वैसे ही थे। मैंने उससे कहा भी कि मैं उसके लड़के को कहीं नौकरी पे लगा दूं, 1-2 जगह मैंने बात भी की थी, लेकिन अजय खुद को नवाब की औलाद समझता है, इंटरव्यू पे गया ही नहीं। और जहाँ तक उसके पति का सवाल है सर, तो उसका जवाब तो पूरी चौल के पास है जहाँ वो रहता है। आपके कहने का मतलब ये है कि कविता अपने शराबी पति और आवारा बेटे से तंग आकर घर छोड़कर चली गई? हाँ जी सर, इसके अलावा मुझे तो कोई और वजह नजर नहीं आती। क्या ऐसा हो सकता है?
कि कविता किसी और के साथ चली गई हो? आपके कहने का मतलब है कि उसके पति के अलावा कोई और आदमी था उसकी लाइफ में? हो सकता है कोई उन्हें ऐसा मिल गया हो जिसके साथ उन्हें जिंदगी जीने जैसी लगने लगी हो। जी सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तुम्हें क्या लगता है वरुण? अभी तक की इंक्वायरी से तो ऐसे ही लगता है सर कि ये कोई पुलिस केस नहीं है। एक औरत अपने बेटे और पति से नाउम्मीद थी, इसलिए एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। सर, मैंने चौल में कई लोगों से बात की, लेकिन सबने यही कहानी सुनाई है और सबको यही लगता है कि कविता ने घर छोड़कर अच्छा किया। हो सकता है कविता ने वही किया हो जो हम सोच रहे हैं, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कदम आगे बढ़ते हैं। कविता के फोन रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? कल तक मिल जाएंगे सर। फरुण, मुझे लगता है दीपेश जानता है कि कविता किसके ज्यादा करीब जाने लगी थी। जी हाँ सर, शायद दीपेश जानता है, इसलिए जब कविता अगले दिन काम पर नहीं आई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने सालों से जाति पे जाति करता आया हूं तेरी आई पर, समझता था लेकिन स्वार्थी हो चुका था। एहसास ही नहीं होता था कि मेरी खुदगर्जी की वजह से मैं उसका चैन, उसका सुकून सब छीन रहा हूं। और आज जब वो नहीं है तो मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। काश वो वापस आ जाए और मैं उससे माफी मांग सकूं, उसे वो जिंदगी दे सकूं जो वो हमेशा से चाहती थी। मुझे लगता है आई का जाना जरूरी था हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन बाबा बस एक बार आई वापस आ जाए। बाबा, मैं आई को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, उनकी हर बात मानूंगा। कविता जाधव का फोन रिकॉर्ड स्कैन किया, इस पूरे मामले में कुछ तो अटपटा जरूर है, जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी के तौर पर सभी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए सर, कविता के अलावा उसके पति रवि, उसके बेटे अजय और कविता के बॉस दीपेश पाटिल के भी। 9 जुलाई की रात को 10:30 बजे कविता ने जो मैसेज किया था सर, वो मुंबई से ही किया था, लेकिन कविता ने अगले दिन सुबह जो दूसरा मैसेज किया था वो गणपति पुले से किया था। अटपटा किसके फोन रिकॉर्ड्स में नजर आ रहा है? आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ, एक अर्जेंट ऑर्डर डिलीवर करना है। अरे अभी तो आपने कहा छुट्टी ले रहा हूँ, चाय बना दे, और चाय बनाई तो प्रोग्राम चेंज। संध्या, मैंने कहा ना कि अर्जेंट है, जाना ही पड़ेगा। हेलो। हेलो दिपेश जी, इंस्पेक्टर शेखर दीक्षित बोल रहा हूँ। जी सर, कहिए। उस दिन आपने हमें बातें तो बहुत बताई लेकिन अधूरी थी, कुछ जरूरी बातें तो रह गई। अच्छा अच्छा, ऐसा है तो मैं फिर से आ जाता हूँ, मुझे लगा ही था कि दोबारा बुलाएंगे। देखा, काम पे नहीं गया तो फोन से चिपके रहना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ, चाय तुम पी लेना। दिपेश की बातों में जो कॉन्फिडेंस है वो या तो एक सच्चे आदमी में होता है या फिर उस आदमी में जो झूठ बोलने में बहुत माहिर होता है। ताल में कुछ तो काला है। कविता के फोन रिकॉर्ड से एक हल्का सा सुराग मिला था जो शक करने लायक था। कविता का बॉस दीपेश पाटिल अब पुलिस की रडार में था, क्या वाकई शक करने लायक कोई बात थी? दीपेश पाटिल साहब, तो आपको लग रहा था कि हम आपको फिर से बुलाएंगे, यानी आप भी जानते थे कि आपने हमसे कुछ छुपाया, तो चलिए जो भी आपने हमसे छुपाया था वो बता दीजिए। हाँ, इस बार आधा अधूरा नहीं, पूरा बताइए। तो चलिए हो जाइए शुरू। सर, किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर दुख हो, तनाव, तो वो चाहता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात किसी के साथ शेयर करे, कोई तो हो जो उसकी बात सुने। समझे ना समझे अलग बात है सर, लेकिन पाटिल साहब, ये फिलोसफी का ज्ञान देना बंद कीजिए और इन फोन रिकॉर्ड से जो सवाल उठे ना उनका सीधा सीधा जवाब दीजिए। 9 जुलाई की रात को कविता मुंबई में थी और 10 जुलाई को गणपति पुले में। हो सकता है वो अपने बेटे और पति के लिए प्रार्थना करने गई,
उनकी सद्बुद्धि के लिए। लेकिन पाटिल साहब, आप वहां किसके लिए प्रार्थना करने गए थे? खुद के लिए? देखिए दीपेश जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 10 तारीख को आपके फोन की लोकेशन गणपति पुले थे और ठीक उसी दिन आपकी एम्प्लॉई अपने पति और बेटे से हताश होकर उन्हें छोड़कर चली गई और वो भी गणपति पुले, और उसी दिन आप भी पहुंच गए गणपति पुले। जी सर, ये इत्तेफाक नहीं है। पाटिल साहब, अब आप अपने ये फिलोसफी वाले हवाई जहाज को नीचे उतारिए जमीन पर और हमें जमीनी सच्चाई बताइए। उस दिन 9 जुलाई को शाम 5:30 बजे कविता अपना काम खत्म करके मेरे कैबिन में आई थी। दीपेश जी, मैं आ सकती हूँ? आओ कविता, आओ। कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? मैं थक चुकी हूँ दीपेश जी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ कविता, मुझे पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ। 22 साल दीपेश जी, उस आदमी की हर कमजोरी हर बुराई के साथ मैंने समझौता किया, बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी गुस्से के उसका साथ दिया। लेकिन मुझे क्या मिला? एक बेटे से उम्मीद थी लेकिन वो भी टूट गई। अब तो मैं ही अंदर से टूट गई हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, ये पहली बार नहीं था कि कविता ने अपनी फीलिंग्स मुझसे बांटी थी, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा बिखरी हुई सी लग रही थी। उसकी आवाज में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में अजीब सी निराशा थी। वो घर जाना ही नहीं चाहती थी। सर, तुम समझने की कोशिश करो कविता, अगर घर नहीं जाओगी तो और कहाँ जाओगी? मैं नहीं चाहती थी पेश, पर अब मैं घर नहीं जाऊंगी, बस बहुत हो गया, मुझे अब छुटकारा चाहिए। मैं उसकी मुश्किल समझता था सर, मुझे उससे हमदर्दी थी, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी ये मैं कैसे तय कर सकता था? अजीब सी मुसीबत थी सर। मेरा मतलब है, आप किसी इंसान की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो नहीं उठा सकते ना। आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आप कविता के साथ गणपति पुले गए थे? जी सर, कविता वहां जाना चाहती थी, ये उसकी इच्छा थी। गणपति पुले? जी दीपेश जी, उसी के पास जयगढ़ एक जगह है, मैं वहीं से हूँ, मेरा पूरा बचपन वहीं पे गुजरा है। क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? मैं? कविता, यूं अचानक कैसे? शायद जहां बचपन गुजरा है वहां जाके 22 सालों की थकावट थोड़ी देर के लिए मिट जाए। सर, उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ भी कर सकती थी, खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। मुझे उसे अकेले में छोड़ना ठीक नहीं लगा। सर, एक बार मैंने सोचा कि उसके पति से बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि मामला और बिगड़ सकता, क्योंकि वही तो जड़ है उसकी परेशानी की। मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया सर, इसलिए मैं उसके साथ चला गया ताकि उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक सकूं। दर्शन करने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला। अब इतने सालों की फ्रस्ट्रेशन कुछ देर में तो नहीं मिट सकती, लेकिन फिर भी वो पहले से काफी शांत नजर आ रही थी। वो कुछ देर समंदर किनारे बैठना चाहती थी। तुम ठीक हो कविता? मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। मैं जानता हूं तुम वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति और बेटा भी तुम्हारी राह देख रहे हो, फिक्र कर रहे हो। ऐसा होता है, किसी के जाने के बाद उसकी अहमियत ज्यादा समझ में आती है,
मेरी फैमिली भी सोच रही होगी। मैं घर के मंदिर में नहीं जाता, अचानक दर्शन करने गणपति पुले कैसे चला गया। आप अपने फैमिली से खुश हैं? हाँ। चलो अच्छा है, कोई तो खुश है। दीपेन जी, मुझे एक 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहाँ 10 मिनट सुकून से बैठ सकूँ, जहाँ कोई ना हो। अरे घबराइए मत, बस यही पास में ही है, बचपन में वहाँ अक्सर जाया करती थी। अब इतना दूर आए तो सोचा बचपन की यादों को थोड़ा फिर से जी लूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना, हमें रात होने से पहले मुंबई पहुँचना है। और उसके बाद कविता वापस नहीं आई? नहीं सर, मैं राह देखता रहा, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, लेकिन वो नहीं लौटी। मैडम, मेरे साथ जो लेडी आई थी कविता, वो आई थी चाबी लेने? नहीं सर, चाबी तो यहीं पे रखी हुई है। सर, मैंने फिर समंदर किनारे जाकर देखा, 2-3 घंटा और इंतजार किया, फिर मैंने हार मान ली। सर, मेरे ख्याल से कविता ने पहले से अपना मन बना लिया था, वो चली गई और मैं बंबई वापस चला आया। फिर आप अधूरी कहानी सुना रहे हैं। कविता आपके साथ गणपति फूले गई, वो वहां से गायब हो गई, कहीं चली गई, ये बात आपको काफी टेंशन वाली नहीं लगी? आप चुपचाप मुंबई वापस आ गए और भूल गए उसे? सॉरी सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कविता मेरे साथ नहीं आई थी, मैं कविता के साथ गया था। आप इस बात को किसी भी नजरिए से देखें, आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है मिस्टर पाटिल? आपको नहीं लगा कि आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी? सर, मुझे सब इंस्पेक्टर वरुण ने बताया कि कविता का पति रवि यहां कंप्लेन लिखवाने आया था। तब आपने कंप्लेन क्यों नहीं लिखी? आपने कविता को ढूंढना शुरू क्यों नहीं किया? हम यहां सवाल पूछने बैठे हैं, किसी के बेतुके सवालों का जवाब देने नहीं। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि रवि जब कंप्लेन लिखवाने आया था, तब आपके मन में भी यही आया होगा। कविता 42 साल की औरत थी, 20 साल के लड़के की मां, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी सर, और कई सालों से थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था सर कि वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा बोझ क्यों ढो रही है, उसकी जिंदगी की मंजिल क्या है। शायद उसे एहसास हुआ होगा कि उसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, उसकी जिंदगी की नई मंजिल तलाशनी चाहिए। होता है सर, अपनों से ना उम्मीद हुआ इंसान जब नई जिंदगी शुरू करने जाता है तो ऐसे ही चला जाता है, और मुझे लगता है कि मुझे कविता के फैसले की इज्जत करनी चाहिए, उसे पूरा हक था ऐसा करने का, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं लिखवाई। और सर, जब कविता ने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की तो मुझे डर लगा था कि वो कहीं कुछ कर ना बैठे, और इसीलिए मैं उसके साथ चला गया था गणपति पुले, जहां वो जाना चाहती थी। अब सर, वो वहां जाकर अचानक गायब हो जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं? और सर, ढूंढ तो उसे सकते हैं जो रास्ता भटक गया हो, जो अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो, उसे कोई कैसे ढूंढे? ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कविता ने रास्ता नहीं भटका, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, क्या उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं सर, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कविता के साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता है तो ये आपका काम है सर, आप ढूंढिए उसे। सर, मुझे उससे सहानुभूति थी इसलिए मैंने उसकी मदद की, जितना बन पड़ता था उतना किया। अब सर, मैं उसका बॉस हूं, कोई गार्डियन तो हूं नहीं, उसका दर्द मैं सुन सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन उसका दर्द अपने सर उठाकर तो नहीं घूम सकता। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कविता के साथ कुछ हुआ होगा? अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कविता यूं ही कहीं भी चली गई, बल्कि वो एक तय जगह पर गई थी, वो भी अपने बॉस के साथ, और उनके बॉस का कहना है कि वो अचानक वहां से गायब हो गई। सोचने वाली बात यह है वरुण, कि अगर कविता को अचानक बिना किसी को बताए यूं ही गायब होना था तो कहीं से भी हो सकती थी, वो गणपति पुले ही क्यों गई, वो भी अपने बॉस के साथ? इन्वेस्टिगेशन तो बनती है वरुण, ये दीपेश कितना सच बोल रहा है कितना झूठ, इसकी जांच पड़ताल तो बनती है। अगर सफेद झूठ में सफेद रंग ढंग से मिलाया जाए ना,
तो वो सच के गाढ़े रंग को भी हल्का कर सकता है। ये कहानी अभी भी अधूरी है। कविता को जानने वाला हर शख्स कविता की परेशानी जानता समझता था, उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी दुर्दशा। क्या यही वजह थी कविता के इस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने की, या कुछ हो गया था कविता को, जैसा कि अब पुलिस को भी शक हो रहा था। जब कोई इंसान बिना बताए चला जाता है, अपने परिवार से सारे संपर्क तोड़ देता है, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है। खास तौर पर तब जब ये पता हो कि चले जाने वाला शख्स सताया जा रहा था। ऐसे हालात में मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि जिंदगी से हार मान चुका वो शख्स कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या कविता ने ऐसा ही कुछ किया था? कहां चली गई थी वो? क्या थी उसकी मंजिल? 9 जुलाई की रात को आए एक मैसेज से शुरू हुई थी ये कहानी, जिसमें कविता ने लिखा था कि वो अपने घर, अपने परिवार के पास कभी नहीं लौटेगी। और अब पता चला था कि उस रात को वो मुंबई से गणपति पुले गई थी अपने बॉस दीपेश पाटिल के साथ, और अगले दिन 10 जुलाई को वहां से बिना बताए कहीं चली गई थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन? आखिर वो डीवीडी पर फिल्म कौन देख रहा था, और वो फिल्म क्या बता रही थी? क्या कविता के गायब होने का रहस्य उस फिल्म में छुपा था? कविता कहां थी, ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।